टू द डेली करेंट अफेयर्स सेशन ऑफ प्लांट अकेडमी। तो इस वीडियो में 27 अगस्त रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने प्लांट अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन, हु इनॉग्यूरेट्स नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी किसने इनॉग्यूरेट्स किया? प्रकाश जावेदकर, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह। सो रिसेंटली प्रकाश जावेदकर जी ने नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी इनॉग्यूरेट्स किया है, ठीक है। तो कहाँ? तो प्रकाश जावेदकर तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूनियन मिनिस्टर हैं, और ये इन सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस यानी सेकॉन, सेकॉन स्टैंड्स फॉर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस। यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी लॉन्च किया गया है, और सेकॉन है कहाँ? तो कोयंबटूर तमिलनाडु में। तो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो होते हैं उस पर बर्ड्स का क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु को प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो एडापड़ी के पलानी स्वामी। विच बॉलीवुड एक्टर लॉन्च्ड हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प ऑफ बांद्रा स्टेशन? किस बॉलीवुड एक्टर ने रिसेंटली हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है बांद्रा स्टेशन पे? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। तो रिसेंटली शाहरुख खान ने बांद्रा स्टेशन पे हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान लॉन्च्ड हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प ऑफ बांद्रा स्टेशन इन मुंबई महाराष्ट्र, क्योंकि 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ था वहाँ के रेलवे स्टेशन का। एनी ऑल्सो अर्ज द पीपल प्रेजेंट एट द लॉन्च इवेंट टू यूज़ द पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प यूज़ करने के लिए पीपल को इनक्रेज किया गया ताकि वो ऑनलाइन टेक्सटिंग की जगह पोस्टल स्टैम्प का यूज़ ज़्यादा कर सके। हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स गोल्ड इन बैडमिंटन? किस इंडियन ने रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड जीता है इन बैडमिंटन में? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा और के मनीषा। सो पीवी सिंधु ने रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है और वो पहली भारत बन गई है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने वाली। सो इस इंडियन सेटलर पीवी सिंधु वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल डिफीटिंग ना जापान्स नोजोमी ओकुहारा। जापान की नोजोमी ओकुहारा को डिफीट करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुके। कहाँ ये इवेंट हुआ कहाँ था? तो बेसिल स्विट्ज़रलैंड में। और ये पीवी सिंधु का थर्ड स्ट्रेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और ये 24 ईयर की ओल्ड है, एंड शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बुक अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। हु अमंग द फॉलोइंग वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? एलेक्स रिन, मार्क मार्क्वेस, मैवरिक विनेल्स और जो किंग। सो एलेक्स रिन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये स्पेन के मोटरसाइकिल रेसर हैं और ये सुजुकी एक स्टार के टीम से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज़ वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और डिफीट किसको किए हैं? तो मार्क मार्क्वेस को डिफीट किए हैं। और ये इवेंट हुआ कहाँ है? तो ये इवेंट सिल्वरस्टोन रेस ट्रैक सिल्वरस्टोन इंग्लैंड में हुआ है। विच IIT इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिशेस डेस्मी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? डेस्मी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस IIT इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT मुंबई। सो IIT दिल्ली ने डेस्मी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज़ पार्टनर्ड विद डेनमार्क बेस्ड फॉर्म टू स्टार्ट डेस्मी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेस्ट टू वेल्थ एट IIT दिल्ली। द सेंटर विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स विच एड्रेसेस वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट विद पॉसिबल एनर्जी जनरेशन। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम रिकर्व कैडेट एट द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप? वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में किसने रिकर्व कैडेट का टाइटल जीता है? सोनोडा वाका, कुमालिका बारी, दीपिका कुमारी और डोला बैनर्जी। तो कुमालिका बारी ने रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में रिकर्व कैडेट टाइटल जीता है। इंडियन कुमालिका बारी बिकम रिकर्व कैडेट एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप,
और ये चैम्पियनशिप हुआ कहाँ था, तो मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और वे डिफीट किसको किए हैं, तो सोनोडा वाका जो कि जापान की है उसे इन्होंने फाइनल में डिफीट करके रिकर्व कैडेट का टाइटल जीता है। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट लॉन्चिंग इट्स क्लोज 24 आवर टीवी चैनल फॉर स्टूडेंट्स, किस एजुकेशन डिपार्टमेंट के किस स्टेट ने रिसेंटली 24 आवर टीवी चैनल लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। सो डी इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर ने 24 आवर टीवी चैनल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। ओके, एंड इट वॉज लॉन्च बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर एट अ फंक्शन इन चेन्नई। तो इसमें जितने भी फ्रॉम प्री के जी टू 12th स्टैंडर्ड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सिलेबस है, वो सारे इस चैनल पे कवर किए गए और उन्हें शो किया जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो ये है तमिलनाडु, ये पूरा एरिया तमिलनाडु है। चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के, तो एडप्पाडी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इंडिया रजिस्टर्स ओवर - डिक्लाइन इन HIV केसेस। रिसेंटली जो डेटा कलेक्ट किया गया है, तो उसमें इंडिया का HIV केसेस में कितना रिडक्शन हुआ है, 80%, 50%, 70% और 90%। सो ए इज़ द राइट आंसर, 80% डिक्लाइन हुआ है न्यू HIV केसेस में। टॉकिंग टू रिपोर्ट्स एट अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ही सेड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 18 मिनिस्ट्री के साथ, ताकि एड्स को इंडिया से इरेडिकेट किया जा सके। हु लॉन्चेस SURE प्रोजेक्ट, किसने SURE प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है? अमित शाह, स्मृति ईरानी, जुअल ओरम और राजकुमार सिंह। सो स्मृति ईरानी ने लैक्मे फैशन इवेंट में SURE प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल, ये कौन से मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी हैज़ इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट SURE। SURE स्टैंड फॉर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, एंड दिस इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ क्लोदिंग मैनुफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप IMG ड्यूरिंग लैक्मे फैशन विंटर फेस्टिव 2019 इन मुंबई, महाराष्ट्र। एम क्या है, तो सस्टेनेबल फैशन को ग्रो करना है, पर उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन के साथ सस्टेनेबल फैशन को डेवलप करना। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019? एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? प्रभाकर सिंह, हरदीप सिंह पुरी, रवि दुबे और जय कृष्णा। सो प्रभाकर सिंह को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रभाकर सिंह क्या है, तो ये डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, एंड ही हैज़ बीन चोजन फॉर द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द 2019 ईयर, एंड दिस अवार्ड विल बी गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एंड एग्जेम्पलरी सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दिस एलाइट एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड ये कन्फर्ड किसके द्वारा किया जाता है? इंजीनियर्स डे के दिन ये कन्फर्ड किया जाता है, और हर साल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर 2019 को सेलिब्रेट किया जाता है इन न्यू दिल्ली। प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द श्री कृष्णा टेम्पल। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कृष्णा टेम्पल का, कहाँ? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बहरीन। सो बहरीन में श्री कृष्णा टेम्पल को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द 200 ईयर ओल्ड, ये टेम्पल 200 ईयर ओल्ड है, और ये प्रोजेक्ट भी कहाँ पर, तो मन्नामा बहरीन में। इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए $4.2 मिलियन खर्च किया जाएगा। बहरीन किंग कौन है बहरीन का प्रेजेंट टाइप है? हमद बिन ईसा अल खलीफा, और बहरीन की कैपिटल क्या है, तो मन्नामा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा और यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और प्लांट अकेडमी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन दबाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।